सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज एप्स को ही सीधा कचरा समझ के बाहर निकाल फेंक मारा है। तो ऐसे में दोस्तों न्यूज तो कर काफी खुशी की है, लेकिन काफी लोगों के लिए शॉक इनटू 100 हो गया है। तो अभी ऐसे में मतलब बहुत सारे लोग जो है वो खैर जेन्युइनली अल्टरनेटिव्स भी ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो अगर इन एप्स को यूज किया करते थे तो अब वो कौन सी एप्स को यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे अल्टरनेट एप्स के बारे में बात करने वाला हूं जिनको आप यूज कर सकते हैं कंपेयर टू जो अभी तक हम शायद यूज कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। मतलब यार दोस्तों ये जो चाइनीज ऐप्स को बाहर निकाल के फेंका है ना, मतलब ये यार काफी खुशी का सा मौका है। मतलब जो सीन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा बन गया है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, मतलब एकदम सही वाली बात है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी हो सकता है कि आप जो है वो जाने अनजाने में इन ऐप्स को यूज कर रहे हो, या फिर दोस्तों बहुत सारे तो है मोबाइल फोन्स के अंदर ये ऐप्स पहले से प्री इंस्टॉल आती थी, तो हो सकता है कि आपके फोन में ये ऐप्स हो। तो पहली सलाह तो ये है कि भैया सीधा ये जो लिस्ट में सामने आप ऐप्स देख रहे हैं इनको अपने फोन से निकाल के सीधा बाहर फेंको। और अगर आपको चाहिए अल्टरनेटिव्स तो मैं हूं आपको दोस्तों बताने वाला हूं अल्टरनेटिव्स। काफी सारे यहाँ पे इंडियन दोस्तों ऐप्स हैं, काफी सारे यहाँ पे यूएस की ऐप्स है, लेकिन डेफिनेटली चाइना की आपको कोई भी ऐप नहीं मिलने वाली। जहां पर दोस्तों अगर हम करते हैं शुरुआत, तो यार शेयरिट और जेंडर ना बहुत पॉपुलर था फाइल्स वगैरह भेजने के लिए एक फोन से दूसरे फोन में। तो यहां पे अगर आपको कमी खल रही है तो आप दोस्तों यूज कर सकते हैं फाइल्स बाय गूगल को, काफी अच्छा ऑप्शन है फाइल्स ट्रांसफर के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप यूज कर सकते हैं जेड शेयर को, या फिर आप यूज कर सकते हैं जियो स्विच को, या फिर आप यूज कर सकते हैं शेयर ऑल। मतलब अलग अलग ऑप्शन है जो आपको सूट करे आप दोस्तों अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर पाएंगे। अगर हम बढ़ते हैं आगे तो भैया ऐसे में ब्राउजर ना, एक तो इसने भैया नाक में इतना दम कर रखा था यूसी ब्राउजर, मतलब पता नहीं क्या हो गया ऐसा। तो यहाँ पे यूसी ब्राउजर, डीयू ब्राउजर, सीएम ब्राउजर, एपस ब्राउजर, हमने बोला भैया सीधा बाहर निकलो पहली फुर्सत में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें इनके अलावा अल्टरनेटिव्स की, तो यार गूगल क्रोम यूज करो आप दोस्तों, साथ में भी ऐसे में फायरफॉक्स यूज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं इंडियन ब्राउजर्स की, तो आप ऐसे में जियो ब्राउजर यूज कर सकते हो, या फिर भारत ब्राउजर यूज कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन है, क्यों यूज करना है, काहे को जाना यूसी ब्राउजर की तरफ। और अगर हम दोस्तों आगे यहाँ पे आए तो भैया बायडू मैप, पता नहीं इंडिया में कौन बायडू मैप यूज कर रहा था, लेकिन खैर अगेन ये दोस्तों ऐप को हटाया गया है। तो इसके अल्टरनेट तो भैया गूगल मैप यूज करो ना यार, इतनी बढ़िया चीज है। या फिर उसके अलावा आप हियर मैप्स को यूज कर सकते हैं, और अगर आपको दोस्तों यूज करना तो मैप माई इंडिया मूव को भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है, जैसा आपको समझ में आए आप यूज कीजिए। यहाँ पे अगर कुछ लोग थे भैया जो बड़े शौकीन थे क्लब फैक्ट्री के, भैया थोड़ा डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है वहां पर, तो क्लब और शीन और रोमवी वगैरह, मतलब तरह तरह के दोस्तों ऐसी शॉपिंग एप्स थी। अब भैया काहे को, यहाँ पे अपने फोन में अभी हम दोस्तों यूज कर सकते हैं मंत्रा को, फ्लिपकार्ट को, अमेजोन को, स्नैपडील को, अजियो को, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं यार, समझ रहे हो ना। मेरा मतलब क्या है कि कोई ऐसी नहीं है कि लाइफ रुक गई हमारी, सॉफ्टवेयर्स के तो अल्टरनेटिव्स भरपूर थे ही। तो मतलब सॉफ्टवेयर को हम अभी यूज करना छोड़ दें, हार्डवेयर को भी इवेंचुअली जो है वो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में खैर करेंगे ही। मतलब कुछ और ऐसा स्विच जहां पे हम चाइनीज अल्टरनेटिव्स को यूज करें यहां पे। अगर इसके अलावा दोस्तों बहुत लोग जो है अपने फोन के अंदर उनको आदत थी कि वो झाड़ू लग जाए, चक्री घूम जाए, फोन हो जाए एकदम तेज फास्ट, तो वो यूज करते थे ऐसे में क्लीनर मास्टर को और डीयू स्पीड बूस्टर वगैरह को। अब वैसे तो अगर आपको जरूरत पड़नी नहीं चाहिए आपके स्मार्टफोन को भैया साफ करने की, वो स्मार्टफोन स्मार्ट है वो अपने आप साफ होता रहेगा, लेकिन अगर उसको आप चाहते हैं कोई पुराना जंक वगैरह डिलीट करना, थोड़ा बहुत अगर पुरानी कुछ फाइल्स को डिलीट करना, तो आप ऐसे में अगेन फाइल्स बाय गूगल को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अगर कुछ लोग जो है वो शौकीन थे क्लैश ऑफ किंग्स के, तो गेम्स तो भरपूर है भैया गूगल प्ले पे, अगर आप जाएंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है, गेम्स तो आपको भर भर के मिलेंगे। तो ऐसे में जैसा आपका मन करे, शूटिंग, रेसिंग और सिमुलेशन और एनिमेशन और जो आपको चाहिए गेम्स तो अगर आप यूज कर ही सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों डीयू बैटरी सेवर, बहुत लोग जो है वो यूज किया करते थे अपने फोन के अंदर बैटरी बचाने के लिए। टेक्निकली आपको इसके किसी भी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है यार, आपके फोन जो है वो अपने आप इंटरनली इतना स्मार्ट है कि बड़े आराम से बैटरी को बचा सकता है। तो अपना कोई भी ऐसा जंक फोन में बिल्कुल मत रखो। इसके अलावा बात आती है भैया वो ब्यूटी वाली एप्स की, बस सेल्फी आई है, गाल हो गए गुलाबी और आंखें हो गई बड़ी बड़ी और लिप्स पिंक, और मतलब पता नहीं क्या क्या दाग धब्बे सब हटा देगा।
खैर उसकी जरूरत नहीं पड़ती चाहिए, लेकिन यहाँ पे यू मेकअप, ब्यूटी प्लस, सेल्फी सिटी, मी टू, वंडर कैमरा, पता नहीं स्वीट सेल्फी, तरह तरह की दोस्तों ऐसी एप्स थी बहुत सारी बहुत लोगों के मोबाइल फोन्स में। मैं कहता हूँ यार सिंपल अपने फोन के कैमरा में देखो कि आपको वहां पे क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको एडिट करना है तो आप स्नैपसीड जैसे एडिटर को यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा कैपेबल एडिटर है, तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना उस वो सेल्फी मोड में लगा के और ऐसा हाथ को 60 डिग्री ऊपर उठा के और ऐसा सेल्फी लेने की, मतलब नॉर्मल फोटो से भी काम चल सकता है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो ऐसे भैया न्यूज के लिए अगेन यूसी न्यूज, मतलब भैया आतंक मचा रखा था यार। साथ में इसके अलावा न्यूज डॉग और क्यूक्यू न्यूज फीड वगैरह तरह तरह की दोस्तों ऐसी एप्स थी। मैं कहता हूं सिंपल यूज करो ना यार गूगल न्यूज कितना बढ़िया है। उसके अलावा अगर आपको देखना है दोस्तों कुछ इंडियन कॉन्टेंट तो डेली हंट को या फिर इन शॉर्ट्स वगैरह यूज कर सकते हो, लेकिन क्यों जाना हमको यूसी न्यूज की गली में। आगे वी चैट बहुत लोगों के लिए भैया बहुत दिल के करीब था, मतलब जो यूज करते थे वी चैट को, तो ऐसे में वी चैट के अलावा तो यार व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को यूज कर लो, टेलीग्राम को यूज कर लो, हाइक मैसेंजर को यूज कर लो, बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों वगैरह से बात करने के लिए। यहाँ पे फिर कुछ लोग क्यूक्यू म्यूजिक यूज करते थे, तो मैं बोलता हूँ यार इसके अलावा गाना यूज कर लो, जियो सावन वगैरह यूज कर लो, स्पॉटिफाई वगैरह यूज कर लो, बहुत सारे तरह तरह के ऑप्शन है। पैरेलल स्पेस को जो लोग यूज करते थे ऐप्स की क्लोनिंग वगैरह के लिए, उसके लिए भैया क्लोन ऐप नाम की ऐप को आप यूज कर सकते हो। फिर बात आती है मी वीडियो कॉल की, अब ऐसा पता नहीं कौन ही होगा जिसको वीडियो कॉल में भी मी वीडियो कॉल को यूज करना है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मतलब गूगल डुओ यूज कर लो या जियो मीट यूज कर लो, या अगर हम बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए तो आप ऐसे में दोस्तों स्काइप यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की टीम्स को यूज कर लो, या फिर आप यूज कर सकते हैं अभी ऐसे में गूगल मीट को या फिर से नमस्ते वगैरह को, मतलब बहुत सारे तरह तरह के ऑप्शन है। इनफैक्ट आप जियो मीट को भी यूज कर सकते हैं, तो मतलब वीडियो कॉलिंग के लिए तो भैया अल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं 1-to-1 और 1-to-many के लिए। यहाँ पे इसके अलावा वीवा वीडियो बहुत लोग यूज करते थे वीडियो एडिटिंग के लिए, तो इसके अल्टरनेटिव्स दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे हैं। काइनेमास्टर को आप यूज कर सकते हो, अडोबी रश को आप यूज कर सकते हो, या फिर इन शॉट को आप यूज कर सकते हो, पावर डायरेक्टर को आप यूज कर सकते हो, मतलब अल्टरनेटिव्स भरपूर है इसी वीवा वीडियो एडिटिंग ऐप के। मतलब बहुत बार तो मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर ना वो नीचे बुकमार्क सॉरी वाटरमार्क आता था वीवा वीडियो का, ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं ऑलरेडी यार। इसके अलावा यहाँ पे कैम स्कैनर बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि कैम स्कैनर लोग यूज करते थे, तो कैम स्कैनर ऐप तो अच्छी थी, लेकिन अब क्या करें भैया ऐप के अंदर जो है वो खामियां भी बहुत सारी थी, और ऐसे पहले बहुत बार नाम भी आता था कि भैया ऐप जो है वो डेटा लीक कर रही है, जो भी है ऑल्टरनेटिव भयंकर भरपूर है। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है अडोबी स्कैन का, आप यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस को। इसके अलावा आप दोस्तों यहाँ पे गूगल ड्राइव का जो इनबिल्ट स्कैनिंग वाला फीचर है उसको यूज कर सकते हैं। इंडियन ऐप्स भी दोस्तों बहुत पॉपुलर चल रही है फिलहाल, जैसे मैं स्कैनिट एक ऐप है जो बहुत पॉपुलर है, उसके अलावा कागज स्कैनर एक ऐप है जो बहुत पॉपुलर है, आप जो चाहे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। साथ में अगर आपसे बात करता हूं डीयू रिकॉर्डर की, वो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए बहुत लोग यूज करते थे, तो ऐसे में आप दोस्तों यूज कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर नो एड्स, काफी अच्छा ऑप्शन है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, और बहुत सारे फोन में तो खैर आजकल इनबिल्ट भी आपको मिल ही जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वॉल हाइड बहुत लोग यूज करते थे भैया अपने सीक्रेट छुपाने के लिए, तो ऐसे में आप यूज कर सकते हैं कीप सेफ, काफी अच्छा ऑप्शन है आपकी फोन में अगर आपको प्राइवेट स्पेस चाहिए। और बहुत सारे फोन होते हैं आजकल वैसे भी इनबिल्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है जहां पे आप सीधा अपने फोन में एक सेपरेट सेक्शन बना सकते हैं अपनी फाइल्स को स्टोर करने के लिए। यहां पे इसके अलावा बहुत लोग सोचते थे ईएस फाइल एक्सप्लोरर को, तो अगेन आप यहां पे यूज कर सकते हैं गूगल फाइल्स को, फाइल्स बाय गूगल को, और यहां पे अगर आपको चाहिए दूसरा एक्सप्लोरर तो आप ऐसे में सॉलिड एक्सप्लोरर को भी यूज कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं भैया असली मेन मुद्दे की, मुद्दा किस बात का था भैया, टिकटॉक, कवाई, हेलो, लाइक, वीगो लाइव, वीवा वीडियो, वीगो वीडियो, पता नहीं क्या क्या यार, तो नाम इनके ऐसे ऐसे और हर एक पे मतलब एक ही टाइप के भैया चल रही है मस्तियां यहाँ पे। मतलब कुछ लोग जो है वो बहुत जेन्युइनली टैलेंटेड हैं और जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं उनको तो यार दिल से सल्यूट है, और उनके लिए तो इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो या सारे प्लेटफॉर्म्स खुले हैं और वो डेफिनेटली अपना अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन जो मेजोरिटी थी ना वहाँ पे वो तेरी काली काली दो आंखियां और पता नहीं क्या क्या, तो वो काम के लिए खैर अब तो ये ऐप्स रही नहीं। तो मैं तो आपको रिकमेंड ये करता हूँ कि भाई छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ो, 50 काम और है वो कर सकते हो, या अगर टैलेंट है रियल तो इंस्टाग्राम पे आओ, यूट्यूब पे आओ, बढ़िया तरीके से अपना काम कर सकते हो। लेकिन स्टिल अगर चाहिए भैया हमको तो वही नशा चाहिए वापस से, तो ऐसे में ट्रिलर करके एक ऐप है वो आप यूज कर सकते हो, चिंगारी को आप यूज कर सकते हो, रुपोसो एक ऐप है, और शेयर चैट एक ऐप है, शेयर चैट हालांकि हेलो का ऑल्टरनेटिव होगा, लेकिन इन जनरल ये 3-4 ऐप्स को आप यूज कर सकते हो। लेकिन बस वो प्लीज दोबारा से यार वो ऐसे ना वो स्लो मोशन में गर्दन हिलाना बंद कर देना प्लीज, मतलब भगवान भला करे आपका लाइफ में यार कुछ अच्छा काम करो, मतलब चलो क्या बोले ज्यादा हो जाएगा बट। दोस्तों ये था खैर कुछ सीन चाइनीज ऐप्स का और इनके ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको बता दिए हैं, एक एक नहीं यार भरपूर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो ऐसे में आपके फोन को साफ रखिए और
इस ऐप के अलावा भी अगर आप किसी और ऐप को भी यूज करते हैं तो पूरी जानकारी रखिए कि वो जो ऐप है क्या वो आपको कहीं पीठ पीछे नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।